वेलकम यू ऑल टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री इन्फो। दोस्तों, आज एक हम ऐसी कब्रगाह देखने जा रहे हैं जो एक रॉयल और सूफी सेंट की हैं। यहाँ पर एक शाही बॉडी और मस्जिद भी मौजूद है। इसे आज लोग आइटिया मस्जिद और आइटिया दरगाह कहते हैं। इस दरगाह की खासियत यह है दोस्तों कि इसके ऊपर एक तावीज़ है खूबसूरत सी, और नीचे अंडरग्राउंड में इसकी ओरिजिनल मज़ार है, जैसे कि हर मकबरे में, हर दरगाह में होती है। अब हम सब में पहले जाएंगे इस दरगाह को देखने के लिए। दोस्तों, ये जगह सोलापुर नाके से, जब हम आपको अहमद खान का मकबरा जो दिखाए थे उसके आगे में ही मौजूद है। ये लास्ट खुदावंदपुर की एक मॉन्यूमेंट्स हैं। ये इसके आगे कुछ मॉन्यूमेंट्स खुदावंदपुर में मौजूद नहीं है। ये देखिए, वो खूबसूरत सी दरगाह है जो इसका संदल उर्स रमज़ान में 27वें रोज़े के दिन मनाया जाता है। एक खूबसूरत सी तावीज़ है ऊपर में, और नीचे दो मज़ारे हैं दोस्तों इसके। हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए वो मस्जिद, अब उसको लोग अबू बकर मस्जिद कहते हैं और आइडिया मस्जिद कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी पेड़ वगैरह हैं, काफ़ी ठंडा इलाका है। मैं भी यहाँ पर अक्सर आता हूँ। ये देखिए वो खूबसूरत सी तावीज, एक आदिल शाही डायनेस्टी की निशानियाँ दोस्तों। क्या आप इसको जानते हैं कि ये कौन है, ये कौन से सूफी और सेंट होंगे? ये देखिए आदिल शाही डायनेस्टी की निशानियाँ मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। एक हरे पत्थर में बनाई हुई एक सूफी सेंट की कब्र, ऐसी ही कब्र मैंने अली वन का रोज़ा जो हमने शकापुर रोज़े में देखा था, सेम ऐसा ही मोनूमेंट्स, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर में बनाई हुई वहाँ पे भी एक दरगाह मौजूद है जो अली रोज़े के एकदम सामने है। शायद वो उनके पीर की होगी। ये देखिए इस ताबीज़ की खूबसूरती दोस्तों, और वो मस्जिद। ये एक शेड है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी अंडर में आता है। ये देखिए वो दरगाह में हम अभी नीचे अंडरग्राउंड जो बेसमेंट में उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है, फिर भी मैं आपको कोशिश करके नीचे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए हम नीचे जा रहे हैं बेसमेंट में इसकी ओरिजिनल तावीज़ देखने के लिए, मगर यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और एक चिराग भी जला रखा है। लोग यहाँ पर आते हैं फैज़ पाने के लिए। ये देखिए अंधारा ही है, एक चिराग है यहाँ पर। नीचे में दो कब्रें हैं, ये देखिए वो चिराग। यहाँ पर इसके नीचे ही जो तावीज़ ऊपर बनाई गई है उसके जस्ट नीचे ही दो कब्रें हैं, दो मज़ारे हैं। चलो हम ऊपर जाएंगे वापस से। हाँ, हम अभी ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। एक रिहायशी इलाके में मौजूद है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी तो ज़्यादा नहीं है, मगर गिने चुने कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, इसकी साफ़ सफाई करते हैं। ये देखिए और एक यहाँ पर एक मज़ार है जो कोई रॉयल पर्सनालिटी की होगी। ये एक लेडी है, कब्र है या कुछ पता नहीं, एक मकबरा है
जो एक खूबसूरती से बनाया गया है। ये देखिए उसकी खूबसूरती। यहाँ पर भी एक कब्र मौजूद है, काफ़ी खूबसूरत मकबरा बनाया है। शायद इन्होंने ही ये उस दरगाह के मुरीद यानी के उस दरगाह की तामीर भी इसी सूफी इसी रॉयल पर्सनैलिटी ने की होगी। ये पहले के लोग अपने पीर की दरगाह और अपनी मज़ार और एक बावड़ी और एक मस्जिद, ये चारों एक ही जगह बना देते ताकि लोग उस सूफी की दरगाह पर आए और इनकी भी मज़ारात की ज्यारत करें और जो बावड़ी और मस्जिद है वो सवाब दारे हासिल करने के लिए बनाते थे। मरने के बाद में उनको सवाब इसका पहुंचता रहे। अब हम यहाँ की एक शाही बॉडी देखने जा रहे हैं। इस बॉडी की तामीर उस मस्जिद को वजू पानी वजू के लिए बनाया होगा और लोगों को यूज़ करने के लिए बनाया होगा, मगर अभी इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, सब पानी गंदा हो गया। ये एक शाही बॉडी है जो पानी यहाँ पर गंदा मौजूद है। इसकी तामीर भी उसी ज़माने में उसी जो रॉयल जो कब्र देख के आए हम अभी उसी ने उन्होंने ही की होगी ताकि उनको इसका सवाब कयामत तक मिलता रहे। और एक मस्जिद भी है जो आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए वो आगे एक मस्जिद है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो आगे बनाकर बता सकें। ये वो मस्जिद है तीन कमान की जो हमेशा बीजापुर में जैसी होती है, उसी एक मस्जिद है। शुक्रिया दोस्तों।